सुल्तानपुर में खंड शिक्षा अधिकारी की प्रताड़ना से एक शिक्षक की मौत हो गई। मामला संज्ञान में आते ही हड़कंप मचा हुआ है। वहीं घटना से नाराज शिक्षक संघ ने आरोपी खंड शिक्षा अधिकारी के खिलाफ प्रदर्शन कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ये मामला है बल्दीराय थाना क्षेत्र के केवटली गांव का। इसी गांव के रहने वाले सूर्यप्रकाश द्विवेदी कुड़वार ब्लॉक के पूरे चित्ता जूनियर माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर तैनात थे। बीते शनिवार को सूर्यप्रकाश विद्यालय में थे, इसी दरमियान उनके घर से फोन आया कि बेटे का हाथ फ्रैक्चर हो गया है, लिहाजा वो अवकाश प्रार्थना पत्र विद्यालय में रखकर बेटे का इलाज कराने निकल गए। थोड़ी देर बाद खंड शिक्षा अधिकारी मनोजीत राय विद्यालय में पहुंचे और प्रधानाध्यापक को मौके पर ना पाकर भड़क गए। उन्होंने जमकर उन्हें फोन पर खरी खोटी सुनाई, अवकाश प्रार्थना पत्र जेब में रखा और प्रधानाध्यापक सूर्यप्रकाश द्विवेदी के खिलाफ कार्रवाई कर डाली। इसके बाद सूर्यप्रकाश द्विवेदी सदमे में पहुंच गए। आनन फानन में उन्हें इलाज के लिए जिले के राजकीय मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया। बीती रात इलाज के दौरान सूर्यप्रकाश द्विवेदी की मौत हो गई। आज यह खबर जैसे ही मैं दिनेश उपाध्याय, जिला मंत्री प्राथमिक शिक्षक संघ सुल्तानपुर। आज जो घटना घटी है, निश्चित रूप से सुल्तानपुर के जितने भी शिक्षक संगठन हैं सब एकजुट होकर के उसका विरोध कर रहे हैं, और जब तक हमारी जो मांगे हैं, पहले उसको गिरफ्तार किया जाए, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, उसको जेल भेजा जाए, और जो परिवार है उसको कंपनसेशन दिया जाए, और उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही जो है उसको उसकी सेवा समाप्ति के लिए वो की जाए। तब तक हम लोग आंदोलित रहेंगे। और एक चीज़ जान लीजिए कि अगर उनका परिवार सहमत होगा तो हम तब तक दाह संस्कार नहीं करने देंगे जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती। मैं प्रदीप यादव, इस ब्लॉक का अध्यक्ष, शिक्षा में संघ का, जिले का महामंत्री। मैं आज की इस दुखद घटना पर दुबे जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं ये मांग करता हूँ अपने संगठन की तरफ से कि दोषी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसको बर्खास्त की होनी चाहिए, उसको सस्पेंशन होना चाहिए उसका, और जो है जो भ्रष्टाचार इस ब्लॉक में इस बीओ ने किया था उस पर कार्यवाही शासन प्रशासन करे और इसको इस जिले से हटाया जाए, इसके ऊपर FIR हो और जो है इसको जेल भेजा जाए। और जिस तरह से इस ब्लॉक में इसने जो है धंधा बना रखा था शिक्षकों को प्रताड़ित करके उनसे रुपया वसूलना, ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी बीओ था, और ये इस पर BSA का भी बदहस्त था, जो लोगों द्वारा बताया जाता था कि सीधे सीधे जो है पैसा मांगता है, पहले नोटिस देता है, फिर कहता है आओ मिलो, और सीधे सीधे वो पैसा लेकर जो है मामले को सलटाता था, और यहाँ तक कि शिक्षा मित्रों को भी नहीं छोड़ता था, उनसे भी पैसे की मांग की जाती थी। लेकिन मैं एक दिन से मिला था और मैंने कहा शिक्षा मित्रों के साथ आप इस तरह करेंगे तो हम यहाँ दरी बिछा देंगे। उस दिन के बाद जो है इन्होंने शिक्षा मित्रों के साथ थोड़ा सा कम किए थे। लेकिन अध्यक्ष के साथ में क्या घटना घटी इसके बारे में कुछ जानकारी है? दुबे जी के साथ जो है जो मीडिया के माध्यम से और उनके परिवार वालों के माध्यम से जानकारी हुई है कि वो जो है विद्यालय में उस दिन जो है उनके बच्चे की तबीयत खराब थी, एप्लीकेशन रख के जो है चले गए उसकी दवा कराने। उसके बाद ये BO वहाँ पहुँचे हैं, तुरंत जो है वहाँ इन्होंने सब कुछ उल्टा सीधा लिख कर, उसके बाद BO मनोजीत राव हैं परिवार के खंड शिक्षा अधिकारी, और इन्होंने जो है उनको फ़ोन पर प्रताड़ित किया, ऐसी मानसिक प्रताड़ना दी कि जो है वो इससे क्षुब्ध होकर आत्महत्या करने पर मजबूर हुए। उन्होंने जहर खाया और जो है इस तरह से हम की डायरी में लिखा है कि जो है उनका अपना मोबाइल नंबर लिखा है, उन्होंने अपना नाम लिखा है, और उसके बाद उन्होंने लिखा है कि मैं BO के द्वारा प्रताड़ित किया गया, इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। उन्होंने साफ साफ अपनी डायरी में नोट लिखा है, और मेरे साथ वो पढ़े थे, मैं उनकी राइटिंग को भी पहचानता हूँ, उन्हीं का लिखा हुआ है, इसमें कोई असत्य नहीं। नहीं, 10 लाख नहीं, जैसे लोगों के द्वारा कोई अध्यापक सामने नहीं आता है डर के मारे कि हमको बर्खास्त करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बाकी रुपए का तो खेल है ही है, सब रुपए के खेल के लिए ही ऐसा होता है, और अध्यापक को नोटिस काट कर रुपया ही मांगा जाता है और मामले को सलटा दिया जाता है। यहाँ से नहीं सलटता, BSA द्वारा वहाँ से सस्पेंशन का ऑर्डर होता है, वेतन रुकता है, उसके बाद धन उगाही करके उनको फिर से बहाल किया जाता है।
ये भ्रष्टाचार सुल्तानपुर में व्याप्त है। धीर सिंह अध्यक्ष जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ सुल्तानपुर। सूर्य प्रकाश द्विवेदी जी ने कल मुझे फ़ोन किया, 2 तारीख को पहले फ़ोन किया, उन्होंने बताया कि बीओ महोदय हमारे यहाँ आए हुए हैं और मैं एक अप्लीकेशन रख दिया हूँ, रखने के बाद मेरे बेटे की तबीयत ख़राब हो गई है, मैं घर जा रहा हूँ दवा कराने हेतु। दवा कराने के लिए वो अप्लीकेशन रख के निकले, निकलने के बाद बीओ महोदय स्कूल पहुँच गए। अब किसी ने बताया होगा, हो सकता है बहुत ऐसे लोग अध्यापक पड़े हुए हैं। फिर जब ये पहुँच गए, पहुँचने के बाद इन्होंने अप्लीकेशन अपने पास रख लिया और अनुपस्थिति कर दिया, कॉलम में गोला बना दिया, उसके बाद ये अपना चले आए। तमाम बिंदु इनके खिलाफ लिख दिए और लिखने के बाद चले आए। फिर इन्होंने फ़ोन किया तो बीओ महोदय ने कहा भी मैं मीटिंग में हूँ, बात नहीं कर पाऊँगा। फिर जब इन्होंने फ़ोन लगाया, फिर उन्होंने कहा कि आपसे मैं इस टाइम बात नहीं करूँगा। उसके बाद संडे को इन्होंने जब मॉर्निंग फ़ोन लगाया, उन्होंने कहा कि हम आपसे बात नहीं करेंगे। ये स्थितियाँ बीओ महोदय की रहीं। फिर उसके बाद संडे को इन्होंने मंडे को फिर बीओ महोदय आए और यहाँ निरीक्षण कर रहे थे क्षेत्र में। फिर इन्होंने फ़ोन किया, इन्होंने कहा कि मास्टर साहब आप कहाँ हैं, जो सूर्य प्रकाश द्विवेदी जी ने बताया था। कि कहें कि सर मैं आज ऑनलाइन छुट्टी पर हूँ, तो कहें ठीक है तुम छुट्टी पर हैं तो ठीक है, ये जो तुम कर रहे हो तुम्हारा दिमाग मैं ठंडा कर दूँगा, तुम्हारे बारे में मुझे जो जानकारी मिली थी वो चीज़ जो है आप सामने दिख रही है और मैं जो लिखा हूँ रजिस्टर पर सारे बिंदु का जवाब कल मंगलवार को आप हमें बिंदुवार आख्या दे दीजिएगा, नहीं तो आप आगे भुगतने के लिए तैयार रहिएगा। इतनी बात सूर्य प्रकाश द्विवेदी ने हमको बताया। हमने उनको आश्वस्त किया कि मित्र आप घबराइए मत, हम आपके साथ हैं। अगर वो इस तरह की बात कहें तो मैं अभी भी आरसी चल रहा हूँ, उनको देखता हूँ क्या करेंगे, पता नहीं। फिर उसके बाद शाम को उन्होंने फिर मुझे 4 बजे फ़ोन किया, मैंने कहा कि दुबे जी आप परेशान मत होइए, मैं अभी निमंत्रण में जा रहा हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे हालचाल लेनी थी। फिर उन्होंने हमारे एक साथी अजीत सिंह, उनसे बात किया, अजीत सिंह से कहा कि मित्र मैं आपसे आखिरी मुलाकात हो सकता है, वार्ता हो रही हो। उन्होंने समझाया भी कि नहीं दुबे जी ऐसा कोई कदम मत उठाइएगा, कहें मैं बहुत डरा सहमा हूँ और मुझे 2 बार उन्होंने फ़ोन करके इस तरह की बात कही, अब उसमें क्या होगा। तो ये सब बातें दुबे जी ने जो बताया था यही सच्चाई है और उनके घर के लोग जब भी मिलेंगे जो भी बताएंगे, वह जो भी उनका रिकॉर्डिंग वीडियो हुआ है उनके लड़के ने रिकॉर्ड किया है वो मिलने पर आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। और उन्होंने एक सुसाइड नोट लिखा था जिसको हमारे मीडिया कर्मी सब जानते ही हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है कि मैं जो कार्य करने जा रहा हूँ उसके जिम्मेदार खंड शिक्षा अधिकारी कुड़वार हैं। अब इससे ज़्यादा और क्या प्रमाण हो सकता है। अब ऐसी स्थिति में उन्होंने जो निर्णय लिया बहुत ही गलत रहा और हमारे उनके बहुत ही आत्मीय और घर के संबंध रहे। मैं बहुत दुखी हूँ कल रात से ही और मैं चाहता हूँ कि जो भी दोषी हैं हमारे महोदय इनको जेल भेजा जाए, इनको गिरफ्तार किया जाए और इनको इस जनपद से बाहर कर दिया जाए, तभी हम लोगों को चैन आएगा और उनके पुत्र या मिसेज को तत्काल प्रभाव से नौकरी दी जाए, 1 करोड़ रुपए खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा भुगतान किया जाए। ऐसी तमाम मांगें हमारी रहेंगी। अभी हम लोग आज उनकी अभी बाड़ी आ रही है लखनऊ से, आने के बाद फिर हम श्रद्धांजलि सभा करेंगे। श्रद्धांजलि सभा के बाद फिर हम बीओ यहाँ पर जिले में ज्ञापन देंगे। ज्ञापन देने के बाद यदि कार्रवाई नहीं होती है तो फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे, फिर आप लोगों का सहयोग लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात शुरू करते हैं।